गरीब गुरबों की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा है। ऐसे नेक कार्य करने से दिल में सुकून महसूस होता है। सक्षम लोगों को असहायों के सहायतार्थ हाथ बढ़ाना चाहिए, ऐसा मानना है वाना डोंगरी निवासी शिवसेना उपाटा शहर प्रमुख और समाज सेवक समाधान माने इनका। इसी मद्देनजर माने द्वारा परिसर के विनोद दुर्गे के परिवार में अचानक मेडिकल इमरजेंसी आने पर आर्थिक सहायता की है। समाज सेवा करने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर इंसान के अंदर समाज सेवा का जज्बा हो तो वह किसी भी उम्र में समाज सेवा कर सकता है। अपना लक्ष्य बनाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना एक मिशन के रूप में जब कार्य किया जाता है तो उसे सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ता है, ऐसा मानना है एक समाज सेवी समाधान माने का। दूसरों की पीड़ा देखकर उनकी मदद करना और निरंतर उनके बीच में जाकर समस्याओं को सुनना इस समाज सेवी का मकसद बन गया है। जी हाँ, और इसी श्रृंखला में परिसर के विनोद दुर्गे के बेटे को जीपीएस नामक बीमारी के इलाज के लिए 25,000 की सहायता की है, जिसके लिए पूरे दुर्गे परिवार ने समाधान माने के आभार व्यक्त किए है। मेरी परिस्थिति मध्ये होतो, माझा मुलगा 16 मे पर्यंत होतो, माझ्या गावकरी मंडळाने मला बहुत मदत केली। समाधान माने माझे कार्यकर्ते त्यांना गावातले काही दोस्त मित्र त्यांना मित्रांनी मला पैशाची लई दुःखात परिस्थिती असल्यामुळे समान भावने माझ्या मागे धावून मला खूप मदत केली आणि त्यांनी मला 25,000 सुट्टीच्या दिवशी मला आणून दिले। मी ते धन्यवाद करतो। माझ्या मुलाला GBS नावाची बीमारी झाल्यामुळे तो लता मंगेशकर हॉस्पिटलला भरती होता, 45 दिवस एंटीवेटरवर होता। त्याला 2-3 लाख किंवा 4 लाखाचा असा खर्च आला आहे आणि समाधान भाऊंनी खूप मदत केली आम्हाला आणि एरियातले लोकांना पण, जे मित्र दोस्त भाई आहे त्यांना पण बहुत मदत केली आहे आम्हाला, त्यांचे आभारी आहे मी। आपको बता दें कि वाना डोंगरी निवासी विनोद दुर्गे मजदूरी करते हैं, घर की हालात भी खासी नहीं है। ऐसे में अचानक पता चलता है कि बेटे को GBS यानी गुइलेन-बेरे सिंड्रोम नाम की गंभीर बीमारी है और डॉक्टर ने इलाज के लिए लाखों रुपयों का खर्चा बताया। इस दौरान विनोद को कई लोगों ने सहायता की लेकिन अब भी बड़ी रकम की जरूरत इलाज में थी। ऐसे में यह बात समाधान माने को समझते ही उन्होंने विनोद को आर्थिक सहायता की, जिस कारण विनोद के बेटे का इलाज हो पाया है और आज बेटा गंभीर बीमारी से बच पाया है। समाधान माने का मानना है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा हर किसी में होना चाहिए। जो लोग समाज सेवा करते हैं वह सदैव प्रसन्न रहते हैं, उनका नाम होता है। समाज सेवा का दूसरा बड़ा लाभ यह है कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रांनो, मागे काही दिवसांआधी माझा मित्र त्याचा मुलगा GBS नावाच्या आजाराशी खूप दिवस लढला आणि त्यांनी त्या रोगावर मातही केली। आपल्या सर्व माझ्या मित्रमंडळींना मी सहकार्याचं आवाहन केलं, त्या सर्व मित्रमंडळींनी सहकार्य केलं, त्याबद्दल मी सर्व माझ्या आधी मित्रमंडळी व सगळ्या जनता जनार्दनचा खूप खूप आभारी आहे की त्या लोकांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याला मदत केली आणि शेवटच्या क्षणाला काही ठिकाणी जेव्हा त्याला अजून जास्त परिस्थिती त्याची थोडीशी नाजूक झाली त्यावेळेला मी स्वतः माझ्या जवळून 25,000 रुपयांची त्याला मदत केली, जे मी आम्ही यावेळेस शिवजयंतीचा मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम करणार होतो तो कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात न करता साध्या पद्धतीनं तो कार्यक्रम केला व ते रक्कम वाचून मी याला सहकार्यासाठी मी याला सांगितलेलं होतं की तुला जेव्हाही गरज लागेल तेव्हा माझ्याकडून ये आणि 20-25 हजार रुपये घेऊन जा। मी त्याला त्या दिवशी ते 25,000 रुपयाची मदत केली आणि मी सर्व जनतेला हेच विनंती करेल की आपण इकडे तिकडे पैसे एवढा मोठ्या मोठा उधळवासा करतो, जर अशा काही गरजू व्यक्तींना जर आपण अशी मदत केली तर हे फार छान राहील। जर कोणाचा जर आज जीव वाचला तर हे आज याचा जीव वाचला हा आनंद फक्त मलाच नाही तर ज्या लोकांनी सहकार्य केलं, मित्र मंडळी व सर्व जनता जनार्दनांनी जे सहकार्य केलं त्या सर्वांचे मी आभारी आहे। आणि हा आनंद त्यांनी नुसती पैशाचीच मदत नाही केली तर त्यांनी त्यांचा आशीर्वाद सुद्धा त्याला दिला आहे, त्याच्यामुळे हा आनंद हा फक्त आमचाच नसून हा सर्व जनतेचा आनंद आहे, त्याच्या परिवाराचा आनंद आहे की आज त्या मुलाचा जीव वाचला, त्यामुळे मी सर्वांचा खूप खूप आभारी आहे। कहते हैं कि यदि आप जरूरतमंद लोगों को मदद कर रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर रहे हैं तो आपका जीवन 100% सफल है। जरूरतमंदों की मदद करने में जो खुशी मिलती है वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।